पिछले क्लास में हम लोग एक्सेल में डेटा को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट इत्यादि करना सीखे थे। आज हम लोग इसके बाद और कुछ कार्य सीखते हैं, एक्सेल में एडिटिंग करने का और कुछ कार्य सीखते हैं। सबसे पहला वो एक्सेल चालू करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पर, नेक्स्ट जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेरा एक्सेल जो है चालू हो जाएगा। अब एक्सेल में हम लोग पिछले क्लास में जो डेटा को कट, कॉपी, पेस्ट करना सीखे थे, आज उस समय में हम लोग को सेल कैसे सिलेक्ट होता है वो हम लोग सीखे थे। किसी एक सेल के डेटा को सिलेक्ट किए थे या फिर एक जैसे किसी एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए उस सेल पर हम लोग क्लिक किए थे। यदि हम लोग एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे थे तो हम लोग एक सेल पर क्लिक करके बाकी सेलों के ऊपर से उसको ड्रैग कर दिए थे। अब कुछ सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। तो यदि हम लोग कुछ लड़कियों के नाम एवं उसमें उसका मार्क्स कुछ टाइप करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखे नेम और मानो तीन सब्जेक्ट के मार्क्स, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ये हम लिख लेते हैं। तो नेम में हम सबसे पहले टाइप किए चार या पांच लड़की का नाम हम कुछ टाइप कर लेते हैं। मानो ये पांच लड़कियों के नाम हम टाइप किए हैं और उनके मार्क्स भी हम टाइप कर लिए। ये मानो मैंने डेटा टाइप किए हैं। अब इसके बाद हम लोग यदि इस डेटा के बीच में किसी दूसरे लड़कियों के बारे में नाम एंटर करना चाहते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में तथ्यों को डालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन रो के बीच में दूसरा रो डालना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, या कॉलम के बीच में दूसरा कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आओ सबसे पहले देखते हैं वो कैसे हम लोग कर सकते हैं किसी रो या कॉलम को इंसर्ट करना। तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें रो या कॉलम को सिलेक्ट करना सीखना पड़ेगा। किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमें पता है कि इस पोर्शन को बोलते हैं कॉलम हेडर, जहाँ पर ए बी सी डी करके कॉलम को चिन्हित किया जाता है उसको बोलते हैं कॉलम हेडर, और जहाँ पर रो को चिन्हित किया जाता है 1, 2, 3, 4 नंबर से उसको बोलते हैं रो हेडर। तो रो हेडर या कॉलम हेडर, इन दोनों में हम लोग जिसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, 4 नंबर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माउस पॉइंटर को रो हेडर में 4 के ऊपर ले जाना है और एक बार क्लिक कर देना है, तो बस ये 4 नंबर रो जो है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यदि हम लोग एक से ज़्यादा रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ये 4 नंबर रो में क्लिक किए और फिर जितना दूरी तक हमको सिलेक्ट करना है उसी रो हेडर में उसके ऊपर से हम लोग ड्रैग करते रहेंगे। तो जितना दूरी तक ड्रैग करेंगे उतना दूरी तक मेरा रो जो है सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार यदि हम लोग कोई कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए उसी प्रकार हम लोग कॉलम हेडर में जाएंगे और जिस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर ड्रैग क्लिक कर देंगे तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर भी यदि हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम को क्लिक किए और बाकी कॉलम्स के ऊपर से हम लोग ड्रैग कर दिए, तो जितना दूरी तक ड्रैग करेंगे उतना दूरी तक मेरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा रो सिलेक्ट करना और कॉलम सिलेक्ट करने का तरीका। अब हम लोग यदि 3 नंबर और 4 नंबर इन दोनों रो के बीच में कोई नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो 3 और 4 दोनों के बीच में हमको करना है तो हमको नीचे वाले रो यानी 4 नंबर वाले रो में रो को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 4 नंबर रो को मैंने सिलेक्ट किया, तो 4 नंबर रो सिलेक्ट, उसके 4 के ऊपर जाके क्लिक किए तो 4 नंबर रो मेरा सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें होम टैब के, ये होम टैब ही मेरा खुला हुआ है, देखिए होम टैब के सारे कमांड्स दिख रहे हैं,
इसमें एक कमांड ग्रुप है जिसका नाम है सेल्स। ये रहा सेल्स कमांड ग्रुप। सेल्स कमांड ग्रुप के इंसर्ट बटन पर, इंसर्ट बटन के जो डाउन एरो है, ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेनू दिखाई देगा। और मेनू में देखिए सेकंड ऑप्शन का नाम है इंसर्ट सीट रोज। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो देखो मेरा जो 4 नंबर रो में जो डेटा था वो और बाकी डेटा जो है एक घर एक लाइन करके नीचे शिफ्ट हो गया और 4 नंबर रो में मेरा एक तो खाली रो आ गया। ये खाली स्थान एक तो नया रो इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को जितना चाहे रो इंसर्ट करना है वो हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार यदि हम लोग 2 कॉलम के बीच में नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ बात हो हम लोग अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं उसके बीच में हम चाहते हैं साइंस ये कॉलम इंसर्ट करने के लिए, तो साइंस कॉलम, अच्छा यहाँ पर जो हम लोग नया रो एक तो इंसर्ट किया और वहाँ पर एक तो नए फ्रेंड के बारे में डाल देते हैं, तो कोई भी नया फ्रेंड के बारे में हम लोग डाल रहे हैं, तो मानो मैंने लिखा दिशा और उनके नंबर्स जो है नंबर्स मैंने टाइप कर दिए। तीनों नंबर्स जो है मैंने टाइप कर दिए। अब यदि हम लोग इंग्लिश और हिंदी ये 2 कॉलम के बीच में हम लोग नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पर यहाँ पर भी वही सेकंड नंबर जो कॉलम है जो दो जहाँ पर दोनों के बीच में बी और सी में लाना चाहते हैं तो सी को सिलेक्ट करेंगे और सी को सिलेक्ट करने के बाद वही होम टाइप के सेल्स कमांड ग्रुप के इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट सीट कॉलम्स, उस पर क्लिक कर देंगे तो देखो जो सिलेक्ट किए कॉलम्स था उसके डेटा राइट साइड में शिफ्ट हो गया और यहाँ पर एक खाली कॉलम मिल गया। तो यहाँ पर हमको जो डेटा के बारे में लिखना है जैसे साइंस लिखना है तो साइंस का डेटा हमने एंटर कर लिए और इसके जो मार्क्स है वो भी मैंने एंटर कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग रो या कॉलम कहीं पर भी जितना संख्यक चाहे रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जिस प्रकार हम लोग रो कॉलम इंसर्ट किए हैं बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग रो या कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है एकदम। यो भी जैसे कि मान हम लोग 6 नंबर लाइन के ये जो डेटा है इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले 6 नंबर रो को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब के डिलीट सेल्स कमांड ग्रुप में सेकेंड ऑप्शन रहता है डिलीट, इसके डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो मेरा एक हमको एक मेनू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिलीट सीट रोज इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो वो सेल देखो डिलीट हो गया, वो जो पूरा रो था सिलेक्ट किया हुआ 6 नंबर हो उसके डेटा पूरा डिलीट हो गया और उसके नीचे वाले जो सेल था वो उसी के स्थान पर आ गया है। ठीक है, एकदम उसी तरीके से यदि हम लोग किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, वही होम टैब के सेल्स कमांड ग्रुप के डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिलीट सीट कॉलम्स, उस पर क्लिक कर देंगे तो वो जो सिलेक्ट किया डेटा था वो डिलीट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट वाले कॉलम के डेटा जो है वो कॉलम्स के डेटा सारा वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सेल को इंसर्ट करना और डिलीट करना, एक रो को इंसर्ट करना डिलीट करना और किसी कॉलम को इंसर्ट करना डिलीट करना, ये हम लोग सीख गए। अभी यदि हम लोग किसी एक सेल को, किसी सेल के डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, या इंसर्ट करना चाहते हैं सेल को, बीच में किसी एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल इंसर्ट करना सीखते हैं। मानो यहाँ पर जो है ये 78 जिस सेल में लिखा हुआ है इस स्थान पर हम लोग कोई एक नया सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले 78 पर क्लिक किए, फिर होम टैब के सेल्स कमांड ग्रुप के इंसर्ट बटन पर क्लिक किए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स, इस पर क्लिक कर दिए तो देखो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इंसर्ट बॉक्स। इंसर्ट बॉक्स में फर्स्ट दो जो दोनों ऑप्शन हैं दोनों ऑप्शन सेल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन का नाम है शिफ्ट सेल्स राइट और सेकंड ऑप्शन का नाम है शिफ्ट सेल्स डाउन। शिफ्ट नाम से ही समझ में आ रहा है इसका कार्य क्या होता है। शिफ्ट सेल्स राइट यदि इस विकल्प पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो डेटा ये जो सेल है ये मैंने इस सेल में जो डेटा है अभी वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक नया सेल आ जाएगा। और यदि हम लोग शिफ्ट सेल्स डाउन पर क्लिक करेंगे
तो ये यहाँ पर जो डेटा है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक नया सेल आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने शिफ्ट सेल्स राइट पर क्लिक किए और ओके पर क्लिक कर दिए, तो क्या हुआ यहाँ पर डेटा था 78, वो चला गया नेक्स्ट कॉलम में और उसके बाद वाले कॉलम में उसके उस स्थान की डेटा चला गया और यहाँ पर नया कॉलम नया एक ठो सेल आ गया। ठीक है, हम इसको अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड दबाकर अंडू कर दिए। अब यदि हम लोग दूसरा जो ऑप्शन था उस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं यानी शिफ्ट सेल्स डाउन, तो क्या होता है देखो शिफ्ट सेल्स डाउन ओके। देखो 78 जो ऑप्शन था वो नीचे चला आया और उस स्थान पर एक ठो नया सेल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग नया सेल को कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग सेल को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी एक सेल के डेटा को बीच में अगर चाहे तो वो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल इसी तरीके से सेल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर होम टैब के सेल्स कमांड ग्रुप के डिलीट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपको डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स पर क्लिक करने से स्क्रीन पर एक डिलीट बॉक्स दिखाई देगा। इसमें फर्स्ट दो ऑप्शन हैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट एवं शिफ्ट सेल्स अप। देखो बिल्कुल उसी तरीके का है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन ये जो सिलेक्ट किया मेरा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और उसके लेफ्ट वाला जो राइट साइड में जो डेटा है वो उसके स्थान पर आ जाएगा। देखो हम सिलेक्ट किए हैं और ओके बटन पर क्लिक किए, 78 डिलीट हो गया और उसके राइट साइड में था 88, वो उसके स्थान पर आ गया। ठीक है, फिर से हम अंडू कर लेते हैं। अब यदि हम दूसरा ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो डिलीट से हम किए डिलीट सेल्स और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स अप। इसमें क्या होगा, एकदम समझ में आ रहा है कि ये से डेटा डिलीट हो जाएगा 78 और उसके स्थान पर नीचे वाले जो डेटा है उसके तथ्य आ जाएगा यानी 65 उसके स्थान पर आ जाएगा। देखो शिफ्ट सेल्स अप है, ओके किया, देखो 78 हट गया और उसके स्थान पर 65 और 64 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फिर से अंडू कर दिए, तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी डेटा को रो इंसर्ट करना, डिलीट करना और कॉलम को इंसर्ट करना और डिलीट करना ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना तक पढ़े हो आज उतना तक प्रैक्टिस कीजिए, हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे।